Well, hello everyone, and welcome to yet another episode of my channel, The Nation Needs You, all about SSB. So today's topic for lecture 8 is religious tolerance. जी हाँ, देश में कुछ ऐसे हाल फिलहाल में ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिनकी वजह से religious tolerance एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है जो 2020 के SSBs में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज रखता है. Not only in the SSB for 2020, but in previous SSBs also, this was one of the very relevant topics. And as the citizen of this country, we need to understand what religious tolerance is and what should be our duty towards it. So without wasting any time, I'll begin the video. But before that, I would request all the viewers to please hit the like button and subscribe to our channel to get updated about the latest happenings in the world of defense and SSB. So here we go. The first and most important thing is कि religious tolerance है क्या. Religious tolerance का मतलब है कि जो आस्था और जो respect आपके मन में आपके religion के लिए है, वही आस्था वही respect आपके मन में दूसरे religion के लिए भी होनी चाहिए. I'm not asking that religious tolerance means that you will start practicing the other religion and leave yours, but you need to have the same respect and acceptability for that religion which is not your religion. एंड एज यू ऑल नो कि हमारा देश कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और कितने सारे धर्म यहाँ पर एक साथ लोग अपनाते हैं, उसके जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें अपनाते हैं. इसके अलावा लैंग्वेज, पहनाव ओढ़ाव, बोल चाल, भाषा, सभी चीज़ों में इतनी डाइवर्सिटी है कि इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एज यू कैन सी, रिलीजियस टॉलरेंस इज पीपल अलाउिंग अदर पीपल टू थिंक और प्रैक्टिस अदर रिलीजन्स एंड बिलीव्स. हमारा देश जो है इसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. टॉलरेंस मीन्स दैट द गवर्नमेंट अलाउज अदर रिलीजन्स टू बी देयर. इंडिया इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एंड पीपल. पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन मेक्स इंडिया वन ऑफ द हेविली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो धर्म है उनका परसेंटेज क्या है. 2001 के सेंसस के हिसाब से हिंदुइज्म जो है वो मेजॉरिटी रखता है सभी धर्मों में 80.5% के साथ. मुस्लिम धर्म को मानने वाले 13.4% है. क्रिश्चियनिटी इज प्रैक्टिस बाय 2.3%. सिख कंप्राइजेज 1.9%. अदर्स आर 1.8% एंड द अनस्पेसिफाइड वंस आर 0.1%. डिस्पाइट इट्स मिक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड ट्रेडिशंस, India has generally enjoyed a healthy, tolerant society practicing every religious festival with the same zest. Chahe wo Holi ho, Diwali ho, Eid ho, Baisakhi ho, chahe koi bhi festival ho, us din pura desh ek saath in sabhi tyoharon ko manata hai aur yahi dikhata hai ki hamara desh itne sare religions ke hone ke baad bhi ek desh hai. द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाता है. कोई भी हमारा स्टेट रिलीजन नहीं है और ये इस बात की गारंटी देता है कि हम टॉलरेंट हैं बाकी रिलीजन्स के लिए. देश के जितने भी लॉ हैं वो कंपैटिबल बनाए गए हैं, जो जितने भी सिस्टम है उन्हें कंपैटिबल बनाया गया है इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम घर हैं सभी धर्म के. लेकिन जहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे डिफरेंसेस सरफेस पे आ जाते हैं और यही एक रीज़न है कि हमारी सोसाइटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मतभेद वो सामने आए हैं हमारे टॉलरेंस में, जहाँ पे कि रिलीजन एक फैक्टर बना हमें हमारे बीच में फूट डालने में और हमें डिवाइड करने में. एंड वट इज़ द रीज़न, क्या कारण बना, तो उसके पीछे थोड़ा हमारा इतिहास भी है. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उसे डिवाइड करने में सबसे बड़ा रोल जो निभाया वो था रिलीजन ने, और इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी हाथ था. लेकिन इसी वजह से सेक्युलरिज्म इज सीवियरली चैलेंज इन इंडिया टिल डे. द डिवीजन बिटवीन द टू रिलीजन्स हैव नेवर हील्ड. द एयर ऑफ सस्पिशन कंटिन्यूज इन इंडिया. हिंदूज कंसिडर दैट इंडिया वॉज बाइफरकेटेड ड्यू टू द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ मुस्लिम लीडरशिप. मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कि उस वक्त मुस्लिम लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, उनका ये मत था कि हमें एक नया और अलग राष्ट्र दो ताकि हमारा जो धर्म है वो बचा रहे, और वही कहीं पे खाई बन गई और आज तक वो खाई जो है वो भर नहीं पाई. इवन आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस द फिशर्स आर स्टिल एविडेंट रैदर ग्रोइंग. विद ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री द एयर ऑफ सस्पिशन इज स्टिल इंक्रीजिंग. और बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज भी ये जो इनटॉलरेंस है ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है और आतंकवाद ने इसको और भी ज़्यादा हवा दी है. देन कम्स अनदर पोर्ट्रेयल, जिसमें कि हिंदुइज्म को बहुत ही नेगेटिव पिक्चर के साथ दिखाया गया है और एक ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स बना
और इस फोर्स को लागू किया गया अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स के थ्रू, जो कि JNU, AMU और जामिया मिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स थे. उन्हें एज द इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया डिस्ट्रक्शन का. गवर्नमेंट ये इंश्योर करती रह गई कि हमें अपने ट्रेडिशन, अपने वैल्यूज को ऊपर रखना है, लेकिन फूट डालने वाले और डिवाइड करने वाले लोग अपना काम करने में दिन रात लगे रहे. What ensures that secularism remains the only viable rational option is that India is a multi-faith, multilingual country. ये ताकतें कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन हम तो कई सारे फेथ और कई सारे भाषा और कई सारे धर्म को सपोर्ट करने वाले देश हैं. Abandonment of secularism can only lead to more conflict and suffering for its people. Ending this violence is the possibility and the responsibility of all the religious leaders, the government and the public as well. अगर हम सेक्युलरिज्म को छोड़ते हैं या अगर हम सेक्युलरिज्म को नहीं मानते हैं, तो हम एक देश के नाते टूट जाएंगे. और इस वायलेंस को ख़त्म करना ये पॉसिबल भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. किसकी? रिलीजियस लीडर्स की, सरकार की और हमारी, हमारी मतलब जनता की. हमें चाहिए कि हम पीसफुल सोल्यूशन के बारे में बात करें. कोई भी धर्म इस दुनिया का कभी भी नफरत, अलगाववाद या किसी भी तरह के इनटॉलरेंस की सीख नहीं देता. वो सिखाता है तो एकता, ब्रदरहुड और आपसी भाईचारे को ही आगे बढ़ाने की और प्रीच करने की बात सिखाता है. हमें अपने उन्हीं रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं उनकी तरफ वापस जाना है. और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, हमारे देश की यही एक पहचान है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स के होने के बावजूद हम इतने सालों से एकजुट रहे हैं और आगे भी रहेंगे. आई होप दैट ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू आउट टू गिव अ वेरी गुड लेक्चरेट ऑन द टॉपिक ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. वंस अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड शेयर इट टू एज मेनी डिफेंस एस्पिरेंट्स एज पॉसिबल, सो दैट अ पर्सन और अ चाइल्ड और अ कैंडिडेट हु इज स्टिल इन टू द लूप होल्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स कैन एक्चुअली गेट हेल्प फ्रॉम दीज स्लाइड्स एंड दीज पिक्चर्स. So till then everyone, take care and the nation needs you.